धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीर में बहुत शक्ति थी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आखिर कौन था पौराणिक काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? आप सोच रहे हैं कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब है नहीं। आप कितना ही सोचे कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाएं। आप सोच रहे होंगे यह बात जरूर अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही होगी, लेकिन नहीं। धनुर्धर बहुत हैं, परंतु उस जैसा धनुर्धर आज तक कोई नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। वह इतना घातक धनुर्धर था जिसके सामने प्रभु श्री राम को भी नतमस्तक हो जाना पड़ा था। आखिर कौन था वह महान धनुर्धर? मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, और साथ ही मैं आपको संसार के 8 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बाणों को चलने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। पहले कम शक्तिशाली से शुरू करते हैं। पहला, एकलव्य। एकलव्य इतना वीर था कि वे भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में इस तरह से तीर मार दिया था जिससे कुत्ता मरे भी नहीं और कुत्ते का भौंकना भी बंद हो जाए। ऐसा विद्या उस समय कोई नहीं जानता था। कटे हुए अंगूठे के बावजूद भी एकलव्य इतनी तेजी से तीर चलाते थे कि उन्हें मारने के लिए भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में आना पड़ा। बिना अंगूठे का ही आज के समय में भी धनुष बाण चलाया जाता है, इसलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जाता है। दूसरा धनुर्धर, कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं लिया गया होता तो कर्ण को मारना असंभव था। अर्जुन के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने अपने साधारण बाणों से ही काट दिया था। कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका बाण अर्जुन के रथ पर लगता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक घिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं उसके इस तरफ पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या बहुत प्रबल है। तीसरा धनुर्धर, अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन के पास भगवान शिव का पशुपत अस्त्र था और वे दोनों हाथों से तीर चला सकते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है। अर्जुन ने खांडव दाह के समय देवराज इंद्र को भी पराजित किया था और उस समय के सबसे भयानक निवात कवच राक्षसों और कालकीय दैत्यों का अकेले ही संहार किया था। चौथा, बर्बरीक। युद्ध के मैदान में भीम का पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना दिखाया। कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए और भेंट स्वरूप उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया, जिससे वे युद्ध नहीं लड़ सके। पांचवा, मेघनाद। मेघनाद एक अति महारथी योद्धा था जिसके पास संसार की सबसे शक्तिशाली तीनों महाशक्तियां थी, अर्थात ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का वैष्णवास्त्र
और शिव जी का पशुपत अस्त्र। रामायण के युद्ध में मेघनाद ने अकेले ही सुग्रीव के आधे बानर सेना का एक ही दिन में सफाया कर दिया था। ऐसा करने वाला योद्धा पृथ्वी पर आज तक कोई पैदा नहीं हो सका। उसने भगवान राम और लक्ष्मण जी को अपने नाग पास में बांध दिया था और वीरघातनी शक्ति मारकर लक्ष्मण को मृत्यु के मुंह तक पहुंचा दिया था। इंद्र को जीत लेने के कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। छठा लक्ष्मण। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराकर उसका वध कर दिया था। सातवां भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से बहुत अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। आठवां भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से सुखाने की सोची और उन्होंने तर्कस से अपना बाण निकाला ही था, समुद्र के देवता त्राहिमाम करते हुए प्रकट हो गए। श्री राम ने अपने इंद्रास्त्र से दुनिया के सबसे बलवान राक्षस कुंभकर्ण और बानर राज बाली को भी मार दिया था और अपने अग्निबाण से रावण का संहार कर दिया था। लेकिन भगवान राम भी अपने इस अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन शिव जी के सामने नतमस्तक होकर ही करते थे या उनसे आज्ञा लेकर ही करते थे। इसीलिए महादेव को धनुर्विद्या का जनक माना जाता है। धनुर्विद्या की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। बाद में शिव जी ने यह धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। शिव धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। तो दोस्तों, यह थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ 8 धनुर्धर। और धनुर्धरों में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि का भी नाम आता है, लेकिन मैं आपको 8 ही धनुर्धर के बारे में बताया हूँ। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।